जनपद संभल के चंदौसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर मानव कल्याण समिति ने मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। जनपद संभल के चंदौसी में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय मानव कल्याण समिति द्वारा सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव और रोकथाम के लिए समाज को अपना अतुलनीय एवं सराहनीय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। उनके लगन निष्ठापूर्ण कार्य करने के लिए समिति द्वारा उनको अंग वस्त्र फूल मालाएं सैनिटाइजर मास्क आदि प्रदान करके उनका उत्साह वर्धन किया। समिति प्रबंधक डॉक्टर टी एस पॉल ने कहा कि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ के रूप में जानी जाती है। उनके कार्यों के लिए मीडिया के सभी कोरोना योद्धाओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस डॉक्टर सफाई कर्मचारी आदि के साथ साथ मीडिया कर्मी का कार्य भी सराहनीय है। उनके उत्साह वर्धन के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। इस दौरान समिति प्रबंधक डॉक्टर टी एस पॉल, शुभम अग्रवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, सुशील कुमार वाषणे, डॉक्टर जय प्रकाश दुबे, दुष्यंत कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रबंधक भारतीय मानव कल्याण समिति चंदौसी। हमारी भारतीय मानव कल्याण समिति विभिन्न मौकों पर सभी को अपने जो हक जो कर रहे हैं या सराहनीय कार्य कर रहे हैं उन सबका उत्साह वर्धन करती रहती है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें मीडिया बंदियों को सम्मानित करने का मौका मिला है, क्योंकि मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ होने के साथ साथ हम सबको जागरूक करने का काम मीडिया कर रही है। तो आप सभी के उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए समिति ने सोचा और उत्साहवर्धन आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया। और आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते हम सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए हम सब अपने घरों में रहें। और आजकल मीडिया हमारे सब के साथ साथ एक सामाजिक सुधार का काम कर रही है। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जो मीडिया ऊपर उछाल कर लाती है और उन सबका समाधान चाहे वो सरकार हो चाहे वो समाज हो करता है। इन सभी के आपके कार्य के लिए समिति आज सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम कर रही है। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।